भदोही जनपद वासियों को मिली नववर्ष की सौगात। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। खोया हुआ मोबाइल पाकर खिल उठे लोगों के चेहरे। बता दें कि भदोही पुलिस की बड़ी कार्यवाही की वजह से 75 अदद गिरे और खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त खोए और गिरे हुए मोबाइलों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच के विभिन्न शाखा सर्विलांस सेल स्वाट साइबर की टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए आदेश दिए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में गठित टीम के अथक प्रयास से कुल 75 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है, उनको बरामद करने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी हाँ, आज जो है जनपद में कुल हमारी अपराध क्राइम ब्रांच की टीम ने और साइबर टीम ने जनपद में बहुत सारे लोगों के मोबाइल जो खो जाते हैं या कहीं गिर गए उनसे, इस तरह की हमारी टीम लगातार प्रयास करती रही है। उन्होंने कुल 75 मोबाइल सर्च करके आज नववर्ष के दिन जो है जनपद वासियों को, जिनके खोए हुए थे, उनको सुपुर्द किया गया है। नववर्ष के तरह से उनको शुभकामनाएं दी गई हैं कि आपके वो खोई हुई संपत्ति आज नए साल के दिन आपको वापस हो रही है। तो इस तरह से हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने और साइबर टीम ने इस पर लगातार सर्च करके कलेक्ट किया और आज सभी जनपद वासियों को आज वितरित किया गया। सभी बरामद किए गए मोबाइलों के स्वामियों को उनके मोबाइल फोन वापस किए गए। अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने भदोही पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया। तो ये थी भदोही से हमारे संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।